नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हर बार की तरह कुछ अजब गजब फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे भारत के उभरते क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में कुछ अनोखी बातें और जानेंगे उनसे जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर वन, ऋषभ का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हरिद्वार में हुआ। अच्छी कोच की तलाश में वो पहले रुड़की पहुंचे और फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए। नंबर टू, जब ऋषभ 12 साल के थे तब वो जाने माने कोच तारक सिन्हा से ट्रेनिंग ले रहे थे। सिन्हा ने शिखर धवन को तैयार किया था। कोच की सलाह पर वे बेहतर मौके की तलाश में दिल्ली से राजस्थान शिफ्ट हुए और अंडर 14 और अंडर 16 स्तर में खेले। बाहरी खिलाड़ी होने की वजह से उन्हें एकेडमी से बाहर कर दिया गया, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। नंबर थ्री, ऋषभ की दिल्ली वापसी जोरदार रही। उन्होंने 18 साल का होने से ठीक पहले वापसी की थी और दिल्ली की तरह से प्रथम श्रेणी पदार्पण किया। नंबर फोर, ऋषभ पंत ने बांग्लादेश में हुए अंडर 19 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार 350 लगाई जिसमें भारत उपविजेता रहा। नंबर फाइव, ऋषभ पंत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 18 गेंदों में 50 बनाए। उन्होंने 24 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 111 रन बनाए। नंबर सिक्स, अंडर 19 वर्ल्ड कप के शानदार प्रदर्शन के चलते आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने उन्हें अनुबंधित किया। उन्हें 1.9 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया गया। नंबर सेवन, ऋषभ पंत के आदर्श खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट हैं। वे उन्हीं की शैली में खेलना पसंद करते हैं। नंबर एट, ऋषभ पंत ने 2016 से 17 रणजी सत्र में महाराष्ट्र के खिलाफ 326 गेंदों में 308 रन बनाए। वे वसीम जफर और अभिनव मुकुंद के बाद रणजी में 13 शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। वे यह कारनामा करने वाले दूसरे विकेट कीपर बने। नंबर नाइन, ऋषभ पंत ने 308 रनों की पारी खेली जो 1994 में रमन लांबा द्वारा बनाए 312 रनों की पारी के बाद दूसरा बड़ा स्कोर है। नंबर 10, पंत ने नवंबर की शुरुआत में झारखंड के खिलाफ 48 गेंदों में शतक लगाया। या रणजी ट्रॉफी भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज शतक है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में आरके बोरिक और प्रथम श्रेणी में क्रिकेट के वीबी चंद्रशेखर के 56 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ये थे हमारी भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।